तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस ऑफ, इसमें हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में क्या देखेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 में स्टूडेंट्स वी विल बी डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल। तो व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बायोटेक में के द्वारा बनाए गए हैं कोई भी मॉडिफिकेशन करके, और जिसका यूज़ हम ह्यूमन वॉलफेयर के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो मैं लगाता हूँ हेडिंग ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है ना, तो इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल अब होते क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफिकेशन से बनाते हैं, कुछ भी उसमें जीन ट्रांसफर करके, जिससे कि हम अपनी जो ड्रग्स है उसका यूज, उसका हम एप्लीकेशन उस पर देख सकें अगर कोई भी बीमारी होती है तो। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसमें जो डिस्कस करना चाहूँगा ट्रांसजेनिक एनिमल में, वो है स्टूडेंट्स आपका हेट्रो, हेट्रोलोगस होस्ट। ठीक है ना, हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस होस्ट। ठीक, तो व्हाट इज हेट्रोलोगस होस्ट, तो मैं बताता हूँ, व्हेन जीन फ्रॉम वन स्पीसीज, ठीक है, तो एक स्पीसीज का जीन इज ट्रांसफर टू द होस्ट ऑफ अनदर स्पीसीज, सच होस्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे, हेट्रोलोगस होस्ट कहते हैं। अब इसे बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसी मेथड से आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं बाय द हेट्रोलोगस होस्ट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, व्हेन जीन, व्हेन जीन फ्रॉम वन स्पीसीज, व्हेन जीन फ्रॉम वन स्पीसीज ट्रांसफर टू द होस्ट ऑफ, ट्रांसफर टू द होस्ट ऑफ अनदर अनदर स्पीसीज, अनदर स्पीसीज, ठीक है, सच होस्ट इज नोन एज, सच होस्ट इज नोन एज हेट्रोलोगस होस्ट। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, हेट्रोलोगस होस्ट। ठीक, हेट्रोलोगस होस्ट किसे कहते हैं, व्हेन वन जीन फ्रॉम वन स्पीसीज इज ट्रांसफर टू द होस्ट ऑफ अनदर स्पीसीज, देन दिस होस्ट इज नोन एज हेट्रोलोगस होस्ट। तो इसी मेथड से हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। जो आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था आपका सुपर माउस, तो मैं इसे रफ करता हूँ, देन उसके बाद लिखता हूँ। ठीक है ना, तो जो आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था स्टूडेंट्स, वो क्या था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल क्या था आपका, सुपर माइस। ठीक है ना, क्या था फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, वाज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाज सुपर माइस। ठीक है ना, तो ये व्हाइट कलर की एक स्पीसीज होती है माइस की, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर माइस कहते हैं, सुपर माइस। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, तो आप क्या कहेंगे, सुपर माइस इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। देन उसके बाद है फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, वो क्या था आपका, एडी, एनडी कहते हैं इसे हम, एनडी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लिखूँ फर्स्ट ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी। तो ऐसा कौन सा मंकी था जो पहले, सबसे पहले हमने ट्रांसजेनिक बनाया, तो मंकी था आपका एनडी। ठीक है ना, क्या था, एनडी, ओके, क्या था, एनडी। जो 95% केसेस होते हैं आपका, जो आपको, अगर आपके जो आपने ड्रग्स बनाई है उसका यूज आपको देखना है, उसका यूज एप्लीकेशन आपको देखना है करके, कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो 95% केसेस में स्टूडेंट्स हम सुपर माइस का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ, रफ करूँ, आ जाएगा शायद, तो इन मोर देन 95% केसेस, इन मोर देन 95% केसेस माइस आर यूज, माइस आर यूज,
तो आपके सुपर माइस या फिर माइस जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आते हैं, वो वाली माइस आपके लिए किसके यूज किए जाते हैं, एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में डिस्कशन। देन हमको जो देखना है वो क्या है स्टूडेंट, पहले तो आप इसे नोट कीजिए जल्दी। देन स्टूडेंट्स इसके बाद जो डिस्कस करना है हमें वो है आपका यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो मैं इसे रख कर दूँ फटाफट, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो नंबर फर्स्ट जो यूज़ है वो है आपका टू स्टडी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। टू स्टडी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इसका यूज किसके लिए कर सकते हैं, नंबर सेकंड जो यूज है वो है आपका टू स्टडी क्रोनिक डिसऑर्डर्स, ठीक। तो जो आपके क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल स्टडी ऑफ एल्जाइमर्स, ठीक है ना। एल्जाइमर्स आपका एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, उसकी स्टडी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। देन आपका है पार्किंसन एनीमिया, ठीक है। देन उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका कैंसर, कैंसर के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, तो कैंसर एक्सेट्रा, ठीक। बहुत सारे यूजेस हैं इनकी, कैन बी डन। तो फॉर एन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की यूजेस में हमने फर्स्ट देखा टू स्टडी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है तो आप क्या करोगे, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उसके एक्सपेरिमेंट करोगे। देन उसके बाद नंबर सेकंड जो आपका यूज है वो है टू स्टडी द क्रोनिक डिसऑर्डर, फॉर एन एग्जाम्पल एल्जाइमर पार्किंसंस एंड कैंसर एक्स्ट्रा के जो स्टडी हम कर सकते हैं इससे, एल्जाइमर्स पार्किंसंस एंड कैंसर की स्टडी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद है टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी, नंबर थर्ड है आपका टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है ना। तो ये अभी अभी हम बता रहे थे आपको, नंबर आपका थर्ड है टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसे हम डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है अगर कोई भी अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन पर ड्रास्टिक इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो ड्रास्टिक इफेक्ट डालेगा तो जिससे क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस वजह से हमने क्या किया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जिनमें वो जीन एंटर करा दिया जिससे वो बीमारी कॉज हो जाती है। देन उसके बाद हम उस वैक्सीन को उस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैक्सीन आर फर्स्ट चेक्ड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन वाज गिवन टू माइस, ठीक। तो ये हो गया आपका वैक्सीन की स्टडी में हम इनका यूज करते हैं। तो मैंने इसको आपको डिटेल डिस्कशन में बता दिया है कि इससे ज्यादा इससे में पूछा ही नहीं जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। देन नंबर फोर है टू स्टडी केमिकल सेफ्टी, नंबर फोर यूज है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वो क्या है स्टूडेंट, टू स्टडी केमिकल सेफ्टी, ठीक, टू स्टडी
केमिकल सेफ्टी। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अब केमिकल सेफ्टी में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल आपके फार्मा ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे पहले जो चेक किए जाते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर किए जाते हैं। वही सिंपल सा फंडा है, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट मार्केटिंग ना करके उसकी पहले हम क्या करेंगे, उसे हम पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर यूज करेंगे। देन फोर जब कम से कम 7-8 महीने तक उसे ऐसे ही चेक करते रहेंगे, देन उसके बाद हम उसको मार्केटिंग में लेके आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फार्मा ड्रग्स फर्स्ट चेक ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है ना, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है मेरी तरफ से, आज से 2 महीने बाद फिक्स, ये वीडियो डल रही है जब से, आज से 2-3 महीने बाद आपके लिए एक इतना बढ़िया हम क्रैश कोर्स जो भी आपके लिए बन सकता है, और रेगुलर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा लेके आने वाले हैं विद इससे बढ़िया सेटअप के साथ। ठीक है ना, तो अपना पूरा स्टूडियो कसने वाला है 3-4 लाख रुपए का। तो स्टूडेंट्स आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे एक भी वीडियो सेशन मिस ना हो। ठीक है, और आप अपने लक्ष्य को पाने से ना चूक सकें। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हुआ टू स्टडी द केमिकल सेफ्टी। ठीक है, फिर है उसके बाद टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। नंबर अगला जो यूज है इसका वो है टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हम इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो देखिए। तो नंबर फिफ्थ इसका यूज है ट्रांसजेनिक एनिमल का, वो क्या है, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा मार्कर फीका पड़ता जा रहा है, चल नहीं रहा है, तो मैं इसे कंप्लीट करा दूँ, देन अपने मार्कर को मैं इंक पिला लूंगा। ठीक है ना, तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है स्टूडेंट्स रोजी काऊ का। ठीक है, किसका आता है, रोजी काऊ। रोजी क्या है, एक काऊ है जो जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये एक ट्रांसजेनिक काऊ है। क्या है, ये एक ट्रांसजेनिक काऊ। ठीक है ना, ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक काऊ है। तो मिल्क ऑफ दिस काऊ, तो मैं 1 मिनट वेट करो प्लीज। तो स्टूडेंट्स मैंने मार्कर को इंक पिला ली है। तो रोजी काऊ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था किसका था, ट्रांसजेनिक काऊ का एक एग्जाम्पल था रोजी काऊ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ प्रोटीन की कमी थी इसके मिल्क में, तो हमने क्या किया कि इसे ट्रांसजेनिक बना दिया, इसके अंदर ऐसे जीन ट्रांसफर कर दिए जिससे कि उस प्रोटीन की कमी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ मिल्क ऑफ दिस काओ हैज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो इसकी जो काव है उसके मिल्क में क्या होता है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज, एंड ये था नहीं लेकिन हमने ट्रांसजेनिक बना के इसे इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए एज अ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल से। तो इसके अंदर जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है और क्या है, एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना है, 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में इतने ग्राम प्रोटीन होगा, तो दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर एक एडल्ट के लिए, ये बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। ठीक है ना, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि कितनी है, 2.4 ग्राम पर लीटर। सो इट इज अ सिमिलर टू ह्यूमन मिल्क मदर। सो इट इज सिमिलर टू ह्यूमन मदर मिल्क। तो इसका यूज हम जो करते हैं ह्यूमन मदर मिल्क, तो स्टूडेंट 1 मिनट वेट प्लीज। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी वुमन होती हैं जो कि अपने बेबी होते हैं उसको फीडिंग नहीं कराती। ठीक है ना, तो उनका एक अल्टरनेटिव सोर्स निकाला है, वो क्या है, ट्रांसजेनिक काओ अपनी रोजी है उसका मिल्क पिलाइए अपने बच्चों को, और किसी को भी जो अपने बेबी है उसको फीडिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि अपना प्रोटीन कंटेंट एंड अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, सेम टू सेम ह्यूमन मिल्क मदर मिल्क प्रोटीन की एग्जैक्ट सेम है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज खत्म।
देन स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में जो लेके आने वाले हैं वो आपका ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स एंड अदर जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसके बचे हुए हैं, ठीक है ना, और एप्लीकेशंस जो भी हैं इसमें। तो अगले लेक्चर में शायद आई होप ये लेक्चर नंबर 8 होगा, लास्ट होगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।